फैनआउट टीवी यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गो सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शर्म, मुस्कुराहट, प्रेम और दया, वस्तुतः आजकल ये लोगों में प्राय इसका अभाव ही दिखता है। लोगों में शर्म बिल्कुल नहीं बची। आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से ऊपर है, आप याद करिए अपने बचपन को, जब आपको पिताजी से बात करनी होती, कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि बाऊजी से बात करनी है। पहली बात तो हिम्मत होती ही नहीं थी, और ज़रूरी होता तो बड़ी हिम्मत जुटा करके धीरे से बाऊजी के पास जाते और ऐसे हाथ बांध करके, नज़रें नीचे ऊपर उठाने की तो हिम्मत ही नहीं, नज़रें झुका करके हाथ बांध करके खड़े होते थे और पिताजी से बात करते थे, क्योंकि उस समय शर्म थी, उस समय मर्यादा थी। आजकल के बच्चे जब बात करते हैं, क्योंकि शर्म बिल्कुल भी नहीं बची। शर्म तो और कितनी घटी है, अगर उसकी व्याख्या करने जाएं तो शायद हो सकता है कि ये प्रसंग सुन के आधे लोग तो चले जाएं घर पे। शर्म की तो क्या ही बात करें, लेकिन कुल मिला के लोगों में शर्म बिल्कुल भी बची नहीं। और याद रखना, जहां शर्म होती है वहीं धर्म होता है, शर्म के बिना धर्म भी नहीं होता है। शर्म बची नहीं लोगों में। बात करें प्रेम की, पहले संयुक्त परिवार का हमारे भारत में परंपरा हुआ करती थी। एक दादाजी के चार बेटे, चार की पत्नियां, चार के छोटे टाबर टिंगर, कुल मिलाकर 28-30 लोग एक छत के नीचे रह करके एक चूल्हे की बनी रोटी खाते थे। कभी भाई भाई में या देवरानी जेठानी में तू में नहीं होती थी। आज हालत ऐसी है, बेटा एक और चूल्हा दो। बेचारे दादा दादी अलग ही चूल्हे में फूंक मार रहे हैं और बेटा बहू अलग ही लाइटर का बटन दबा रहे। भाई भाई तो छोड़ो, आज पिता और पुत्र भी एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की बनी रोटी नहीं खा सकते। पिता पुत्र की कहाँ बात करें, अरे आज तो करवा चौथ है, लेकिन कई घरों में हालत तो ऐसी है कि पति पत्नी न्यारी न्यारी रोटी बनावे, आप रहे मैं मारे, प्रेम ही नहीं बचा। फिर पहले पड़ोस में कोई मेहमान आ जाता, भले ही दूसरी जात के होते, हम कितने प्रेम से बुलाते, भाई जी मारे अटे थोड़ा पगड़िया राखो, एक वक्री रोटी तो मारे अटे जिम लो, कुछ नहीं तो कोई ठंडो पी लो, कोई गरम जाओ, इच्छा थोड़ो बड़ो कोई तो ले, कहीं ना तो पानी पी जाओ, पर एक राव तो सही। अब आज हालत ऐसी है कि कोई पड़ोसी के तो छोड़ दो, पड़ोस में तो क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं, पर खुद के घर पर खुद की जात का कोई मेहमान आ जावे और 2.5 घंटे से ज़्यादा रुक जावे तो व्यक्ति को एनासिन टैबलेट खानी पड़ती है कि कब ये यहाँ से पधारे और हमें काम की खबर आवे, क्योंकि नहीं बचा है लोगों में प्रेम। फिर बात करें दया की, दया के नाम पर केवल कोरा दिखावा। मेरे भाई बहनों, कई सारे लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, चींटियों को कीड़ी नगला सींचते हैं, माताएं सींचती हो ना कीड़ी नगला, लेकिन दिवाली की सफाई जब करनी होती है ना तो प्रेस कंट्रोलिंग करवा करके पूरे घर के कॉकरोच और कीड़ों का सफाया करवा देती हूँ, इसको दया कहते हैं? ये कौन से कंपनी की दया है भाई? जो जीव आपके उस चीटी में था वही जीव उस घर के कॉकरोच और कीड़े में है, लेकिन हम केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं। और फिर बात करें मुस्कुराहट की, देखिए कलकत्ता जैसे शहर में आप रहते हैं, भगवती गौ माता की कृपा से उनकी कथा श्रवण करने का अवसर मिला है हमें। आप सब लोगों की रंग रूप कपड़े सब पहनने का तरीका देखकर लग रहा है कि ठाकुर जी की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है, दाल रोटी ठाकुर जी सबको आराम से दे ही रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग तो यहाँ पर भी इतने गंभीर होकर के बैठे हैं, चेहरे पर सत्संग में भी 1% मुस्कुराहट नहीं है। मैं कई चेहरे ऑब्जर्व यहाँ से कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे चाकुलिया वालों ने या ध्यान फाउंडेशन वालों ने जबरदस्ती बुलाया होगा कि कथा सुननी पड़े, नहीं तो कोई जाए फांसी पे चढ़ा देवा। बिल्कुल इतने गंभीर सत्संग में भी कोई मुस्कुराहट नहीं। अभी भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुझे ये संदेह उत्पन्न करवा रहे हैं कि शायद रूस अगली मिसाइल यूक्रेन की बजाय अपने यही छोड़ने वाला है। अरे भैया सत्संग में बैठे हो, मुस्कुराइए। मुस्कुराहट इंसान की सबसे बड़ी
पहचान है। स्माइल इज मस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर हम इंसान है तो मुस्कुराना बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा 84 लाख योनियों में जो काम आप कर रहे हैं वो कोई ना कोई पशु, कोई ना कोई जीव कर रहा है। एक मात्र मुस्कुराहट ऐसी वस्तु है जो परमात्मा ने केवल इंसानों को सिखाई है। इंसान के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव मुस्कुरा नहीं सकता।